हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, ये बात तो आप सभी मानते होंगे, किसी भी देश को अपने जिस सेक्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वह है उनका डिफेंस सेक्टर। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफेंस एरिया स्ट्रांग होने से कोई भी देश उन पर आने वाले पॉसिबल थ्रेट्स को टाल सकता है और बाकी देशों में अपना डर बना कर रख सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक देश के लिए उनकी नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली वह देश जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, उसमें होने वाले चेंजेस पर नजर रखनी भी काफी जरूरी होती है। इसी के चलते कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये खबर आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि मीरपुर खास सिंध में लोकेटेड पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस में कुछ मेजर अपग्रेड्स हो रही है, क्योंकि वहाँ एक फाइटर स्क्वाड्रोन मूव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मीरपुर खास, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एस्टेब्लिश्ड बेस है, वह राजस्थान में बारमर और जैसलमेर में इंस्टॉल्ड इम्पोर्टेंट इंडियन एयरफोर्स IAF बेसिस से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। पाकिस्तान का यह एयरबेस गुजरात में भुज से बस थोड़ी ही दूर, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक और मेजर एयरफोर्स बेस है। अगर हम पाकिस्तान के एयरफोर्स की बेस की बात करें तो ये बेस एक ऑलरेडी फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है। इस बेस के रनवे और टैक्सीवे पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोटिंग वर्क शुरू कर दिया है। करेंटली ये तब यूज होता है जब एक्सरसाइजेस के दौरान एयर डिफेंस और फाइटर एयरक्राफ्ट उधर मूव किए जाते हैं, पर इस बेस पर कभी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट परमानेंटली डिप्लॉय नहीं किया गया है। पर क्योंकि अब मीरपुर खास में एक अपग्रेड हो रहा है, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऐसा एसेट बन जाएगा जिससे इंडिया को सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वहाँ पर परमानेंटली एक फाइटर स्क्वाड्रॉन डिप्लॉय होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। इंडिया के नियर बाय ऑलरेडी PAF के दो बेसिस हैं, जिनमें से एक कराची में है और दूसरा इससे भी ज्यादा पास जमशोरो में है, जहाँ पर F-16 और F-17 फाइटर जेट्स प्लेस्ड हैं। इसके अलावा चेकोवाबाद, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक बेसिस में से एक है, वह भी कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं है। जकोबाबाद में भी F-16 और JF-17 डिप्लॉय किए हुए हैं। ये सभी बेसिस PAF सदर्न कमांड का एक हिस्सा है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया के पास इतने फाइटर बेसिस होने के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मीरपुर को एक और फाइटर बेस बनाने की जरूरत क्या है? दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।